सभी को नमस्कार। हमारे चैनल द हीलिंग स्पेल में आप सबका स्वागत है। आज हम घर पर ही मसाला डोसा के लिए आलू भाजी और लहसुन की चटनी बनाने का तरीका देखते हैं। पहले आलू भाजी के लिए ज़रूरी सामग्री देखें। एक चम्मच तेल, एक छोटी चम्मच राई के दाने, एक छोटी चम्मच उड़द दाल, दो हरी मिर्च या स्वाद अनुसार, करी पत्ता, एक बड़ी प्याज कटी हुई, एक पाव कप मटर, ये ऑप्शनल है, एक छोटी सी चिटकी हल्दी, एक बड़ा उबला हुआ आलू, नमक स्वाद अनुसार और धनिया पत्ता। लाल लहसुन की चटनी के लिए एक 8 से 10 लहसुन की कलियां या 1/4 कप, 4 से 5 लाल मिर्च या स्वाद अनुसार, नमक स्वाद के अनुसार और पानी। पहले एक पैन में एक छोटी सी चम्मच तेल लेके इसमें मैं राई के दाने डाल रही हूँ। राई के दाने सही तरीके से पटपटाने चाहिए, नहीं तो सब्जी थोड़ा खड़वा हो जाएगा। अभी इसमें मैं एक छोटी चम्मच उड़द दाल डाल रही हूँ और कटी हुई हरी मिर्च और करी पत्ता। अभी उड़द दाल थोड़ा ब्राउन होने तक ऐसे रोस्ट करेंगे। अब इसमें एक बड़ा प्याज कटा हुआ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक अभी डालने से प्याज जल्दी पक जाएगा। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। अभी मैं इसमें मटर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, मटर के बिना भी आप बना सकते हो। प्याज थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तो उसमें एक चिटकी हल्दी डाल रही हूँ और अच्छे से मिला लेना है। अभी इसमें एक बड़ा उबला हुआ आलू डाल रही हूँ और अच्छे से मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो पहले ही मैश करके फिर पैन में डाल सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे वो वैसे कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे वैसे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आलू पूरा मैश हो जाए, नहीं तो बीच बीच में आलू के पीसेस मुंह में आएंगे तो सही नहीं लगेगा। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और नमक मिला रही हूँ। पहले सिर्फ प्याज के लिए नमक डाला था, अभी आलू डाल दिया है तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। याद रखिएगा, इसमें मैंने मटर डाला है, तो मटर अगर आप डाल रहे हो तो मटर अच्छे से पकना चाहिए, तब तक
ऐसे आप चम्मच चलाते रहोगे और पकाते रहेंगे। एक बार मटर पक जाए उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के हम मिक्स करके गैस ऑफ कर लेंगे। आलू भाजी एकदम तैयार। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है। अभी हम गार्लिक चटनी या लहसुन की लाल चटनी बनाने का तरीका देखते हैं। एक मिक्सर जार में मैं एक 8 से 10 लहसुन की कलियां डाल रही हूँ और 4 से 5 हरी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी डाल के एकदम स्मूथ पेस्ट में आपको ग्राइंड करना है। ये देखिए दोस्तों कितना स्मूथ पेस्ट बना है। अभी मेरे पिछले वीडियो में मैंने एकदम क्रिस्पी मसाला डोसा बनाने का तरीका दिखाया था। मैंने पहले एक छोटा सा टुकड़ा बटर का डाला था और अभी जो चटनी बनाए हैं सरासा चटनी डालना है। बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो लहसुन का कच्चा स्मेल आ जाएगा। और अभी इसमें मैंने आलू की भाजी डाल के ऐसे फोल्ड कर दिया। ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा बना है। आप भी घर पर ट्राई कीजिएगा और कैसे बना ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। जल्दी एक और वीडियो के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए और हंसते रहिएगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।